लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ संसदीय सीट से बसपा ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने अब सबिया अंसारी के स्थान पर उनके पति मसूद अहमद को उम्मीदवार घोषित किया है। इससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ सीट पर सबिया अंसारी के स्थान पर उनके पति मसूद अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया। इस सीट से पार्टी ने सबसे पहले मऊ जनपद के रहने वाले भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद पार्टी ने भीम राजभर को सलेमपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर और उनके स्थान पर सबिया अंसारी को मैदान में उतारा था। सबिया अपने नामांकन की तैयारी में जुटी थी कि अब पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बदल दिया। इस बार पार्टी ने सबिया के स्थान पर उनके पति मसूद अहमद को उम्मीदवार घोषित किया है। मसूद अहमद ने LLB की पढ़ाई भी की है। समाज सेवा के साथ साथ वह ब्राइट एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करते हैं। मसूद अहमद ने कहा कि हम पति और पत्नी अलग नहीं है, इसलिए इसे टिकट कटना नहीं कह सकते हैं।